उनकी जो शादी हुई उसका स्टेप जो है वो मेरी वाइफ ने लिया। सस्ती में जयती का जो ओल्ड एज मैरिज का एपिसोड था उसमें उन्होंने दिखाया था कि एक 89 इयर्स के वृद्ध इंसान ने एक लेडी से शादी की है, और शादी से पहले की फ़ोटो में वो इतने ज़्यादा ओल्ड लग रहे थे, शादी के बाद वाली फ़ोटो ही वॉज जस्ट लाइक अ 22 ईयर ओल्ड बॉय। इस एपिसोड से प्रेरणा पाकर नेहा और सुशांत जाला ने अपनी अकेली माँ तारा के लिए एक जीवन साथी खोजने का निश्चय किया। उनकी एज भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, शी वाज जस्ट 45, तो मुझे ऐसा लगता था कि साइकोलॉजिकली शी नीड्स समवन टू टॉक टू, जो वो बहू बेटे से इतना शेयर नहीं कर सकती। आप सोच रहे हैं कि आपको रीमैरिज कराना है, तो थिंक दैट आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, और आपको उनके लिए जो जीवन साथी ढूंढना है वो ऐसा जीवन साथी रहे जो उनके लिए सूटेबल रहे। कन्विंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिकॉज उसके मन में था कि उसको भी पार्टनर की ज़रूरत है। इसमें जो दो दुखी लोग रहते हैं, जिसकी पत्नी गुजर जाती है या पति गुजर जाते, तो वो हर तरीके से तकलीफ में रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। अगर वो दुखी, दो दुखी अगर मिल जाएं तो सुख होने प्रकट होने वाला है। हमारे परिवार की तरफ से सिर्फ हम दोनों थे जो शादी में थे, लेकिन उनके तरफ से बहुत सारे लोग थे, दे एक्सेप्टेड हर सो ब्यूटीफुली। फादर मदर का और बच्चे का और कहीं समाज का भी कुछ ऐसा प्रेशर था कि आप दोबारा शादी करो। कुछ जगह ऐसी होती है कि दोनों कपल जाना चाहिए, तो उसमें जरा सही नहीं लगता था। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी कुछ भी है तो हम साथ में जाते आते हैं। कंपनी आपको किसी भी एज में मिले ना, और वो आपकी केयर रखता है ना, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपेंड इन योर लाइफ। बोले हमेशा फोन पे बोलती है, तू है तो ये हो पाया, तू है तो आज मैं इतनी खुश हूँ, और मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ा फ़र्क है बहुत ही बड़ा फ़र्क है, इतना बड़ा फ़र्क है कि जैसे बोले कि उस वक्त मैं धरती पे थी, अभी मैं आसमान पे हूँ उड़ रही हूँ